अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अतिया गज़ल की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है गाइस, हद नहीं है गर्मी की यार, हद हो गई है गर्मी की। सो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने 10K करवा दिए हैं और ये व्लॉग आपको तब ही मिलेगा जब 10K हमारे कम्प्लीट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है और बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोगों को एक बार झटका भी लग सकता है, जो हमारे हेटर्स हैं उनको तो कुछ ज्यादा ही झटका लग सकता है कि इतनी ज्यादा कामयाबी कब की, किस टाइम की, क्या हुआ, क्या हो रहा है। थंबनेल से तो पता चल गया होगा आपको। तो अभी बहुत गर्मी है गाइस, गाड़ी में चलते हैं। ठीक है, गाड़ी में चलते हैं। गाइस गाड़ी में आके बैठ चुके हैं हम और ये मेरी ब्यूटीफुल अतिका। अभी हम आपको बताते हैं। यस, तो बहुत ही ज्यादा गर्मी यार, ऐसे चलाते हैं हम। ठीक है, और अभी हम जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है और आपको कहते दिखाते हैं हमारा न्यू घर जो कि हमने लिया है। तो काफी साल से हम उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो आज आप लोगों को दिखाते हैं। काफी टाइम से हम सोच भी रहे थे कि दिखाएं, पर आप लोगों ने 10K कराने में टाइम भी बहुत लगा दिया कि इस वजह से आपको भी अभी ये थोड़ा से दिनों बाद मिलेगा। तो जब आपको 10K हो जाएंगे मेरे, तो बस निकलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं हमारा न्यू घर। ओके, तो चलते हैं। तो गाइस, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपना नया घर देखने के लिए, क्योंकि जब से बनाए तब से हमने बस एक बार देखा था, उसके बाद हम भी नहीं गए, मतलब थोड़ा बन रहा था तब, है ना। तो अब सारी चीजें हमने, सारा जो भी था सब कुछ हो गया है, फाइनल सब कुछ। इंशाल्लाह अब हम बहुत ही जल्दी वहां पर शिफ्ट होंगे। तो अभी हम देखेंगे तो बताने की क्या फीलिंग होगी वो। माय गॉड, बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें दिया। मतलब मैं बता नहीं सकती यार क्या फीलिंग है अभी। आपकी क्या फीलिंग होती है ना यार, वो किसी चीज की भी नहीं है। अल्लाह सबको अपना अपना घर दे, जिस तरह अल्लाह सबको अच्छे रिसीव करे, अच्छा घर दे और अपना घर दे, सबसे पहले बड़ी बात। सुबह कभी चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, पहुंच के फिर आपसे मिलते हैं। अभी मजा आएगा। वेलकम टू माय होम गाइस, जल्दी आओ, लेके चलती हूँ आप लोगों को। चलो चलो, ये एंटर से यहाँ पे आप एंटर हो सकते हो। चलो, ये है फ्रेंड्स एंटर, यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। और देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा होम। सो अभी आपको मैं दिखाऊंगी अपना ड्राइंग रूम की थोड़ी सी झलक, आगे आपको पूरी डिटेल बताऊंगी, आप टेंशन ना लो। सिर्फ ये झलक है और ये यहाँ पे खड़ी हुई है, तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट ले लूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल से दिखा सकूं। अभी आगे हम सारा टूर करवाएंगे होम का। सो ये व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये है किचन जो कि हमने बहुत ज्यादा शौक से बनवाया है, हमारा ये ड्रीम हाउस है। यस, और इसके अंदर भी एक किचन है, आप लोग यकीन नहीं कर सकते, इसके अंदर भी हमने किचन बनवाया है। और आपको आई होप कि खुशी होगी, जो लोग जेलस होते हैं आप लोग हमारी खुशी में खुश होना बस गाइस। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारे मास्टर बेडरूम से। तो गाइस ये हमारा बेडरूम है, ठीक है। और यस, यहाँ पर टीवी भी लगा सकते हैं हम। और ये वॉशरूम, वॉशरूम इसमें आराम सुकून से लेट के नहा सकती हूँ। हाँ, अभी ये डिसाइड नहीं किया मैं, लेकिन बहुत ही। सो ये है हमारे वॉशरूम की फर्स्ट वार्डरोब जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह रख सकते हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज किया था जिन्होंने, डिजाइन किया हमारे घर को और बहुत अच्छे से किया है। अभी हम फर्स्ट लुक आज देख रहे हैं, मतलब पहले हम देखा हुआ अनकम्प्लीट, तो कम्प्लीट हम आपके साथ ही देखने आए हैं और बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था हमें हमारा ड्रीम हाउस। ओह माय गॉड, मतलब इतने टाइम बाद देख रही हूँ तो थोड़ा देख सकते हैं आप सीलिंग्स का। Yes. इसका वॉशरूम दिखाओ। हाँ, ये इसका टीवी एरिया। ये इसका वॉशरूम है, आप इधर बेड पे लेट के आराम सुकून से रह सकते हो। इधर आराम सुकून से आप पोटी कर सकते हो। ये कबर्ड और ये हम हैं, और इधर नहा सकती हूँ अतिया। मैं इधर नहाऊंगी तुम उधर नहाओगी, ठीक है ना यार। ये वाला मेरा यार, हाँ वो वाला मेरा, व्हाइट वाला। और ये मैं,
चलो चलें, अब बाकी भी दिखाना बहुत बड़ा घर है कोई। और ये शावर सेटिंग देख सकते हैं आप, ये मेरे गोल्ड का शावर लगवाया गाइस, गोल्ड का पूरा गोल्ड। अभी आपको बाहर से भी इसकी लुक दिखाएंगे। यस सो फ्रेंड्स, ये है हमारा गेमिंग रूम, जो कि मैं इसको बोल रही थी यार इसको गेम रूम बनाते हैं, पर नहीं, ये गाइस नहीं, मैंने कहा नहीं इसको हम गेमिंग रूम नहीं बनाते, इसको हम सिनेमा बनाते हैं, बट इसने कहा नहीं ये गेमिंग रूम ही बनेगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर गेम नहीं खेल सकती। आपस में लड़ाई भी चल रही थी कि ये गेमिंग रूम होगी और ये नहीं, तो इस वजह से PS5 रखूंगी मैं यहाँ पे, पर आगे जाके देखें बहुत ज्यादा मजा आने तो वाला है। और फिर से मैं वॉशरूम में घुस गई। ये तो सब वॉशरूम के कहते सब कमरों के वॉशरूम में लाजमी घुस रही है। हाँ, वॉशरूम अच्छे होने चाहिए यार, आराम से मुंह से पॉटी करनी चाहिए। इसका वॉशरूम की बहुत टेंशन है, ये इसका शायद कनेक्शन नहीं हुआ हुआ था तो शीशा ऑन ही नहीं हुआ। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट रूम में बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत बड़ा रूम है और मैं अलमारी खोलने की कोशिश कर रही थी पर चाबी मुझे मिली ही नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं बाद में खोलते हैं इसको, शायद यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ चीजें ना रखी हो अंदर। सो अभी हम चल रहे हैं बाहर, आपको अब दिखाते हैं ड्राइंग रूम, ये डिजाइनिंग चेक और करें ये आप। ड्राइंग रूम ये देखो, यहाँ पे हम आराम सुकून से बैठ सकते हैं, गप्पे शप्पे मार सकते हैं। और यहाँ हमने आप फिलहाल सीलिंग देख सकते सिंपल ही हैं, सोफे लिए हैं क्योंकि ज्यादा यू नो हम सिंपल ही चीजें पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने सिंपल थीम रखा है क्योंकि ये पूरा देखिए घर ये हैवी भी है तो माशाल्लाह से है। इस झूमर के पीछे उसकी लाश मिली थी याद वो आया। दीवान नहीं कौन सी थी, ओम शांति ओम। सो हाँ, यहाँ पे एक बार देख और लीजिए, ये है, ये हमने अभी आपको सब कुछ ऑन करके हाँ दिखाते, ये पर अभी सर्दियों में हाँ ये इस्तेमाल हीट कर के सकते लिए। हैं इसको। अब किचन दिखा, तो चलो मैं आप लोगों को अपना किचन दिखाती हूँ, ब्यूटीफुल सा। ओ माय गॉड, मेरी खुशियां चेक करें गाइस, बस इसको किसी की नजर ना लगे। तो चलो तो तो ये ये है देख सकते किचन। हैं यहाँ पे मैं बैठ के आराम से सुबह ब्रेकफास्ट या कुछ भी कर सकती हूँ, तो यस ये कॉफी टेबल भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो देखें कितना प्यारा है इधर यार, इधर रहती है, आराम से फोन से बैठ के चाय बना सकती है, ठीक है। हाँ इजीली। और हाँ ये यस, देखें यहाँ और धुआं ये वगैरह भी देखो नहीं है, हमने ऊपर शीशा भी लगवाया था कि हम ये वीडियो हमने बना ऊपर शीशा पाए। लगाया, मैंने कहा ऊपर से ही वीडियो बना सकती है, इसको बहुत ज्यादा शौक है ना। इधर आ, इसके अंदर एक और किचन है, किचन किचन में किचन, में ये किचन। एक्स्ट्रा किचन है, अगर ज्यादा कोई मेहमान आ रहे हो तो अंदर आप खाना यस, बना और सकते ये हैं, ये जगह पीछे इसमें गैलरी है, खाली पीछे पड़ी है। ऑलरेडी बड़ी गैलरी है, हाँ यहाँ पे मतलब वॉशिंग एरिया ये, हाँ, और ये छोटा सा किचन है, ठीक है, पीछे बैक पे। तो ये नीचे का तो सारा हो गया, अब हम जाएंगे ऊपर। अब आपको दिखाते हैं ऊपर, अभी आप वेट कीजिए बस, देख सकते हैं ये है हमारा मास्टर ड्राइंग रूम, यस, यहाँ पे हमारे जो गेस्ट आएंगे वो बैठ सकते चेक हैं। ये वहां पे चल नहीं रहा था, यहाँ पे आपको देखो जला के दिखाया हमने। ये देखो, सो फ्रेंड्स, आप एक बार माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा हमारे घर को देख के, ये ना हो आप लोग यार एक तो पहले यकीन नहीं करोगे, अगर यकीन कर भी लोगे तो माशाल्लाह नहीं बोलोगे। सो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देखें माशाल्लाह से ये ड्राइंग रूम कितना प्यारा लग रहा है, तो मैंने इसको बोला यार अब तुम शूट करो, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले पोर्शन में और मैं अपने स्टाइल मारते हुए, वही स्टाइल मारना तो बनता है, इतनी अल्लाह ने हमें इज्जत दी है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा माशाल्लाह घर, और यहाँ से आप देख सकते हैं सारी डिजाइनिंग और जो हमारे इंटीरियर डिजाइनिंग है उसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दूंगी आगे जाके नेक्स्ट ब्लॉग में जब हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अतिका के पीछे पीछे, और ये मेरी अतिका शाहरुख खान बनते हुए है। अंजलि अंजलि, देखो मैं कितने बड़े घर में आ गई हूँ। और माशाल्लाह देखें झूमर माशाल्लाह, चेक हमारे करें झूमर यार, चेक करो। ओ बहुत माय ही खूबसूरत गॉड, लग रहा यहाँ है पे मैं रील माशाल्लाह बनाऊंगी यार, गाइस, हमें वो जो यकीन चल नहीं हो रही रहा है था कि हमारा ये आजकल। अपना घर है यार, माशाल्लाह बहुत हाँ, अच्छा रेडी हुआ है बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, अतिका को मैंने कहा तुम भी आ जाओ मेरे पीछे पीछे, ठीक है। और ये है हमारे भाई, छोटे से जो नहीं के बड़े इस घर से, में फिलहाल अभी रह रहे, जब ये तक हम इनको नहीं आ हमने जाते। रहने के लिए बोला है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि इतना बड़ा घर हम अकेले नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए हमने कुछ तब लोग आप रखे हुए इसकी हैं वहां थोड़ी पर सी जब तक डिटेलिंग हम चेक शिफ्ट करें, नहीं होते। हाँ, और ये देखो हमारा प्यारा सा झूमर। ओ ये माय गॉड, माशाल्लाह लुक लुक एट चेक करें आप। दिस। ओ माय गॉड गाइस, बहुत लोगों की जलने वाली है। ओ माय कुछ लोग तो यकीन नहीं करने वाले, गॉड, पर ना करें कोई ना बात नहीं, हम करेंगे ना, उनको आई डोंट यकीन केयर। कराने के लिए तो बना नहीं रहे। सेम नीचे की तरह ही है, यस, इधर हमारा टीवी लगेगा,
और वॉशरूम, वॉशरूम दिखाती रहूँ आपको सब सारे। वॉशरूम का हर वॉशरूम का अलग अलग थीम है। तो ये देखो ये ब्लैक है, ये इसकी कहते हैं वार्डरोब है। मतलब इतने तो हम घर में इंसान है ही नहीं मिलेंगे, पर इंशाल्लाह आगे तो आने वाले हैं ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसकी शादी होने वाली है। चला जाओ बहुत ही जल्दी जल्दी दिखाते हैं यार, गर्मी बहुत ज्यादा है अभी। एसी वगैरह बाकी चीजें रहती हैं, बहुत से काम इसके अंदर रहते हैं छोटे छोटे। ये भी एक रूम है छोटा सा, ये सिंपल सा रूम है इसके असली। ये छोटा सा वॉशरूम है, जैसे कहीं पे छोटे से हैं कहीं पे बड़े हैं, क्योंकि हमने खुद रखवाए हैं इतने। अब सब मास्टर थोड़े ना होते हैं, तो बाकी दूसरे रूम सिंपल होंगे ना। सो देख सकते हैं आप, ऊपर देख सकते हैं और ये देखिए मास्टर एक बेडरूम, ये भी माशाल्लाह से इतना बड़ा घर बनवाया है। तो आप लोग हमें गेस करके बताइएगा कि हमारे घर में कितने वॉशरूम है, ठीक है। जिसने सही गेस किया उसको हम एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट देंगे, ठीक है ना। तो कमेंट करके लाजमी बताना आप लोग, लाजमी बताइएगा कितने वॉशरूम है, हमने कितने वॉशरूम दिखाए हैं और कितने रूम दिखाए हैं। yes. जो सही गैस करेगा हम उसके लिए गिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लाइटों के साथ पंगे ले रहे थे, आतिका कह रही थी जिसको जलाओ मैं इसको ऑफ करने लगी हुई थी। और मैं ये बोल रही थी कि यार ये वाला ज्यादा बेस्ट है, फिर मैंने सोचा नहीं यार नीचे वाले ज्यादा बेस्ट है। तो ये वार्डरोब और हम चल रहे हैं बाहर, और ये है एक रूम बहुत प्यारा सा। इधर छुप सकते हैं, इधर अच्छे प्रैंक बन सकते हैं हमारे। ये ऊपर छत है, अभी हम नहीं जा रहे ऊपर, पर आप यहाँ से दिखा देते। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे ऊपर वाले किचन के पास। तो ये है हमारा ऊपर वाला किचन, ये हमने खुद दो किचन बनवाए हैं, एक नीचे और एक ऊपर, ताकि मतलब आराम सुकून से हम खा पी सकें, ठीक है ना। क्योंकि ये ऊपर वाला किचन बहुत ही बड़ा था, नीचे तो थोड़ा छोटा था और उसके अलावा दूसरा भी था, लेकिन ऊपर हमने ज़्यादा बड़ा रखवाया था ताकि हम आराम सुकून से खाना पका सकें और खाना खा सकें। तो आप बताइएगा कमेंट में कि कैसा लग रहा है हमारा किचन, ठीक है ना। और मैं आपको आगे ले के चलती हूँ दूसरे रूम में भी, दो हमने छोटे रूम और बनवाए थे ताकि गेस्ट वगैरह आए तो वो आराम सुकून से रह सके। अभी फर्नीचर वगैरह और बहुत सी चीज़ें जो बाकी रहती हैं हमने बनने के लिए दी हुई हैं, इंशाल्लाह अभी भी काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इंशाल्लाह जब हम शिफ्ट होंगे या शिफ्ट होने वाले होंगे आपको तब नेक्स्ट व्लॉग दिखाएंगे घर का। तो मैं यहाँ दूसरा रूम दिखा रही थी, ये भी बहुत ही मज़े का था। मैंने अतिका को कहा कि इधर मैं रहूँगी क्योंकि मुझे ऊपर रहना बहुत पसंद है। तो अतिका ने कहा हाँ यहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा है तो तुम यहाँ पर रह लेना, ठीक है ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर अपने लिए अलग से वो बेड मैंने ऑर्डर कर दिया, वो आ जाएगा तो मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगी। और ये नीचे से सारे लोग देख सकते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह यार जितनी मैं माशाल्लाह बोलूँ कम है। और ये हमने छोटा सा और वॉशरूम बनवाया है, वॉशरूम की हमने कोई कमी नहीं रखी, वगैरह आ सके तो वो आराम सुकून से पोटी कर सके। तो पोटी का बड़ा मसला होता है यार, पोटी सही से करनी चाहिए। सभी चलते हैं बाहर, और ये ड्राइंग रूम का दूसरा दरवाजा है। सो ये है बाहर गार्डन, थोड़ा सा लॉन्च कह सकते हैं आप। यस, यहाँ पे मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी और लोगों को चलाऊंगी। तो ये हमारे घर की बाहर से लोग, मैंने सही से दिखाए नहीं क्योंकि काम करने वाले बैठे हुए थे, तो इसलिए इंशाल्लाह मैं बाकी डिटेल से बाहर से दिखाऊंगी आप लोगों को। सो गाइस अभी हम आ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए और हमने सोडा लिया, यार बहुत ही गर्मी लग रही थी हमें, तो बस हमने जल्दी जल्दी व्लॉग बनाया और उसके बाद हम आ गए। तो मैं आपको डिटेल इसी वजह से यार हम अपनी गाड़ी चेंज नहीं कर रहे, यही एक रीजन था जिसकी वजह से हम अपनी गाड़ी भी चेंज नहीं कर रहे थे और ना yes, क्योंकि सारा जो भी था प्रोसीजर हमारा फोकस जो भी था पूरा घर पे था। तो इंशाल्लाह कैसा लगा आप लोगों को हमारा घर, हम घर जाके आराम से बात करते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को बताते भी हैं कि शिफ्ट कब करनी है, शिफ्ट भी होंगे, किसी की शादी होनी है अभी तो वो होनी है, तो उसके बाद ही हम शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह, बस अल्लाह खैर करे। और बहुत ही हमारी मेहनत लगी है इस पे, बहुत ही हमने स्ट्रगल किया है इस चीज़ के लिए, आप लोग सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत लगी है।
तो बस अल्लाह ने हमें इतना नवाजा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लोग तो बहुत मतलब जलते हैं लोग हमसे, तो अभी तो और वो जल जाएंगे, पता नहीं क्या ही रिएक्शन होगा उनका ये देखने के बाद। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी की चीज़ से मत जलो, ठीक है, किसी को देख के मत जलो, खुद भी उतना करो कि ताकि आपको किसी से जलना ना पड़े, ठीक है। कभी हसद ना करो। हाँ, हसद करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमने कभी भी किसी से हसद नहीं की, ना ही ऐसा कुछ किया। तो अल्लाह ने हमें इतना दिया, बहुत बहुत अल्लाह का एहसान है हम पर। तो अभी घर चल के और डिटेल से बात करती हूँ मैं आप सबसे, ठीक है। अभी बस सोडा पिए, बहुत गर्मी है। सो गाइस, हम घर आ चुके हैं और हम बहुत ही थक चुके हैं यार। इतने बड़े घर का हमने होम टूर दिया है आप लोगों को, तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा घर, बताओ। कुछ लोग तो मतलब जल के राख हो गए हैं और कुछ होने वाले हैं इस व्लॉग को देखने के बाद। तो कोई नहीं, आप लोगों को जलाने के लिए ही तो हम ये सब करते हैं। अल्लाह इज्जत देने वाला है। यस, बिल्कुल। तो गाइस, ये बहुत ही मेहनत लगी है इसमें। मेरी तो नहीं, खैर इतनी अतिका की बहुत ज़्यादा लगी है। उसने सारा ये प्रोसीजर संभाला हुआ था, इतनी टेंशन है उसके सर पे ऑलरेडी थी, ऊपर से ये घर की अलग हो गई हुई है ये जब। पर फिर भी मतलब इसने इतना अच्छे से किया सब कुछ कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग देख ही सकते हैं कि मतलब एक एक चीज हमने इतनी प्रॉपरली की है कि मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो बाकी जो चीजें अभी रहती हैं घर में, इंशाल्लाह जब हम सारा उसको प्रॉपर जो चीजें हमारी फर्नीचर गेमिंग जो भी सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग जब सारा कुछ रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह फिर आएगा, चाहे वो साल लगे, 6 महीने लगे, जितना भी टाइम लगे। पर अभी अनकम्प्लीट था, जस्ट घर कम्प्लीट हुआ है। yes. अभी चीजें वगैरह नहीं, तो ये भी हमने आप लोगों को बोला हुआ था इसलिए हमने आप लोगों को दिखाया है, वरना हम आप लोगों को नहीं दिखाते, 1-2 साल बाद ही दिखाते। लेकिन फिर भी हम लोगों ने आपको जल्दी दिखाया, ठीक है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए बस गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए स्पेशल था। तो अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दें।